चाणक्य समसामयिक विशेष में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का विषय है प्रतिरक्षा पासपोर्ट यानी कि इम्यूनिटी पासपोर्ट। यह विषय हाल ही में चर्चा में बना हुआ है क्योंकि कुछ देशों ने इसकी घोषणा की है। तो चलिए देखते हैं विस्तार से कि यह चर्चा में क्यों है। कोरोना वायरस महामारी के बीच कुछ देशों ने यात्रा प्रतिबंधों को आसान बनाने के लिए नए डिजिटल कोरोना पासपोर्ट की घोषणा की है। इन देशों में डेनमार्क, एस्टोनिया, इजराइल, चिली और यूके जैसे देश शामिल हैं। कोविड कोरोना वायरस के लिए प्रस्तावित यह प्रमाण पत्र तीन चीज़ों में से किसी एक को प्रमाणित करेगा। इनमें से पहला है कि जो भी धारक इसको लेना चाहेगा उसका वैक्सीनेशन हुआ होना चाहिए। दूसरा ये है कि वो कोरोना से निजात पा चुका हो यानी कि उसको कोरोना ठीक हो चुका हो। और तीसरा ये है कि उसका जो टेस्ट है वो नेगेटिव आया हुआ हो, वो नकारात्मक हो। इन तीनों में से कोई एक चीज़ अगर होगी तो उसे ये पासपोर्ट दिया जाएगा यानी कि वो यात्रा फिर कर सकेगा एक देश से दूसरे देश में भी और अपने देश में भी। इसको लेकर डेनमार्क ने हाल ही में कहा है कि वो फरवरी के अंत तक इस पासपोर्ट का पहला संस्करण निकाल देगा। वहीं स्वीडन का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि गर्मियों तक अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर अगर सहमति बन जाती है तो वो भी इस डिजिटल दस्तावेज को लेकर आएगा। लेकिन डिजिटल पासपोर्ट की आलोचना भी हो रही है। आलोचना का आधार नैतिक और वैज्ञानिक दोनों है। इसमें कुछ विवाद जुड़ गए हैं और इस योजना के आलोचकों का कहना है कि ये जल्दबाजी में की गई कार्रवाई है जिसके प्रति लोगों को आगाह करना चाहिए और लोगों की सहमति उस पर बनानी चाहिए। उनका कहना है कि वायरस के प्रसार के बारे में बहुत कुछ समझना अभी बाकी है और जिन चीज़ों को हम समाधान सोच रहे हैं वो कल को और मुसीबतें लेकर आ सकता है। तो ये तो वैज्ञानिक आधार है। वैज्ञानिकों का मानना है कि आवश्यक जानकारी का अभाव प्रतिरक्षा और गैर प्रतिरक्षा व्यक्तियों के बीच में चुनौतीपूर्ण और एक साथ संभावित खतरनाक कार्य को वर्गित करने की चुनौती, ये सारी चीज़ें हैं जो इस तरह के पासपोर्ट को वितरित करने से पहले हमें ध्यान में रखनी होंगी। इसके अलावा विशेषज्ञों ने ये भी कहा है कि इस तरह के प्रमाण पत्र जारी करने से पहले समुदाय के सदस्यों के नाराज होने की संभावना को कम करना भी हमारी जिम्मेदारी है। इम्यूनिटी पासपोर्ट की पृष्ठभूमि कोविड-19 के प्रसार से शुरू होती है। कोविड-19 के बाद दुनिया भर में लॉकडाउन लगा दिया गया था जिससे अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ। रिसेशन का दौर दिखाई देने लगा और ना केवल कामगारों की कटौती की गई, कोस्ट कटिंग के बहुत सारे प्रावधान किए गए। जहां ऑफिस लोग जा भी सकते थे वो भी नहीं जा पाए। तो अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कुछ देश इम्यूनिटी पासपोर्ट का विचार लेकर आए जिसमें यूनाइटेड किंगडम शामिल है। यूनाइटेड किंगडम ने इम्यूनिटी पासपोर्ट या रिस्क फ्री सर्टिफिकेशन का विचार सामने लाया और कोविड-19 संक्रमण से उभरने वाले लोगों को काम पर लौटने के लिए सक्षम बनाने के लिए कुछ इस तरह के उपाय सोचे। इस तरीके के विचार को सोचने वालों का मानना था कि जो लोग एक बार कोविड से संक्रमित हो चुके हैं उनमें एंटीबॉडीज विकसित हो जाती हैं और जिन लोगों में एंटीबॉडीज एक बार विकसित हो जाती हैं वो ना तो खुद दोबारा से संक्रमित हो सकते हैं और ना ही किसी को संक्रमित कर सकते हैं। तो ऐसे लोग काम पर लौट सकते हैं और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में मदद कर सकते हैं। तो ये इस पासपोर्ट की पूरी पृष्ठभूमि थी जिसका विचार पिछले साल ही सामने आ गया था। लेकिन इस इम्यूनिटी पासपोर्ट के लिए कुछ चुनौतियां भी सामने हैं, जिनमें से सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इस पर विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि हमारे पास यह दावा करने के लिए पर्याप्त आंकड़े नहीं हैं कि हम ये बोल सकें कि जिस आदमी को एक बार कोविड हो चुका होगा या जिसमें एंटीबॉडीज विकसित हो चुकी होंगी वो खुद संक्रमित दोबारा से नहीं हो सकता या किसी को संक्रमित नहीं कर सकता। तो इस तरीके की चीज़ें एक रिस्क हो सकती हैं जिसमें सफलता और असफलता दोनों की ही संभावना हमारे सामने है। इस प्रकार इस विषय के बारे में हमने ज़्यादातर जानकारी के बारे में बात कर ली है। तो अब देखेंगे हम आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है,
डिजिटल कोरोना पासपोर्ट की घोषणा निम्न में से किस देश ने नहीं की है? विकल्प ए यूके, विकल्प बी डेनमार्क, विकल्प सी इजराइल, विकल्प डी भारत। कमेंट सेक्शन में आप अपने उत्तर अवश्य दें, आप सभी के जवाब का इंतजार रहेगा। पिछले वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया था उसका सही जवाब है उत्तर ए, यानी कि केवल एक जो कथन था वो ही सही है, दूसरा वाला गलत है। बॉम्बे नेट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु में है, ना कि मुंबई में। इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर हम विराम देते हैं। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।